भरणी नक्षत्र बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है। इस वर्ष यह नक्षत्र 27 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस दिन सूर्य गोचर भी लगने जा रहा है। इस नक्षत्र में कई लोगों पर सकारात्मक तो कई लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। भरणी नक्षत्र एक नए जीवन चक्र की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ और यह जन्म निर्माण और प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग रचनात्मक, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। यह वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को लगने जा रहा है। इस दिन भगवान सूर्य रात्रि के 12 बजे भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जब भरणी नक्षत्र को लेकर पंडित गुलशन झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 11 मई तक भगवान सूर्य भरणी नक्षत्र में ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि भरणी नक्षत्र में कुछ नाम के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें भरणी, कृतिका व रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ल, अ, ई, उ, ए, व से जिनका नाम प्रारंभ होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इन नाम वाले लोगों को बचकर रहना चाहिए। पंडित ने बताया कि इन लोगों को कुछ चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अग्नि, बिजली, गैस चूल्हा, पानी इत्यादि चीजों से बचकर रहना चाहिए। अगर ये नाम वाले लोग घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो 11 मई तक नहीं बनाएं। भरणी नक्षत्र सूर्य गोचर लग रहा है, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि भरणी नक्षत्र का जो इस बार लगना है वो 27 अप्रैल को लगना है, ठीक है। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि यानी शुक्रवार को ये भरणी नक्षत्र लगेंगे, जो कि रात में 12 बजे लगेंगे और सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं पर सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में ही रहेंगे और 11 मई को शाम में 6:30 पे यहाँ से निकलेंगे और अपने स्थान पर आएंगे, ठीक है। तो भरणी इस दौरान 27 से 11 मई तक भरणी नक्षत्र से बचने के लिए किन किन नामाक्षर वाले व्यक्ति हैं, किन किन नाम वाले व्यक्ति हैं, उनको इस चीज़ से प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वो आइए हम लोग जानते हैं, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले तो भरणी नक्षत्र वाले को प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र वाले को पड़ेगा और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र वाले को भी प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उनका नाम लॉ से स्टार्ट होता है, अ से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है और ऊ से होता है, ए से होता है और व से होता है, अक्षर से शुरू होता है। उन लोगों को 11 मई तक अग्नि से संबंधित चीज़ों जैसे बिजली, गैस चूल्हा आदि से के साथ बड़ी ही सावधानी पूर्वक से काम लेना है और साथ ही साथ सावधानी पूर्वक रहना है। इस दौरान अगर नया घर बनाने का सोच रहे हैं तो 11 मई तक उनको टालना होगा और उन टालना ही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए, शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 11 मई तक सुबह के समय अपने घर का बरामदा, खिड़की और दरवाजे खुले रखें ताकि सूर्य का उचित प्रकाश आपके घर के अंदर आ सके। साथ ही 11 मई तक प्रतिदिन कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें, इससे सूर्यदेव के जो प्रकाश हैं, सूर्यदेव की जो छाए हैं उन पे कृपा करेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण होगी, उत्तम होगी।